नमो नमः। संस्कृत व्याकरणस्य कार्य उपपद विभक्ति कक्षायां भवतां समेषां हार्दिकं स्वागतम्। मित्राणि, वयम् अन्ते नवम कक्षायाः षष्ठी उपपद विभक्तिं पठिष्यामः। गतदिवस पर्यन्तं अस्माभिः पंचमी उपपद विभक्ति, चतुर्थी, तृतीया, द्वितीया च उपपद विभक्ति पठितवन्तः। का भवति उपपद विभक्ति? कारकचिह्नानां अवहेलनं कृत्वा विशिष्ट शब्दैः सह याः विभक्तयः योज्यन्ते ताः विभक्तयः कथ्यन्ते कारक उपपद विभक्तिः। जो विभक्तियां किसी विशिष्ट शब्द के आधार पर कारक चिन्हों की उपेक्षा कर, यानी जो कारक चिन्ह क्या है, कर्ता ने कर्म को कर्म से द्वारा संप्रदान के लिए उपादान से अलग संबंध का के किया और अधिकरण में पे पर इन चिन्हों को न मान करके कुछ विशिष्ट शब्दों और धातुओं के योग में ये उपपद विभक्तियां होती हैं। आज हम षष्ठी उपपद विभक्ति को जानेंगे। षष्ठी विभक्ति कहाँ होती है? संबंधे षष्ठी, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। जब हम कारक विभक्ति पढ़े थे तब हमने पढ़ा कि संबंधे षष्ठी ही भवति। कथम? यथा मम पिता आपणं गच्छति। वाक्य किम अस्ति? वाक्य है मेरे पिता बाजार जाते हैं। तो मेरे पिता, पिता के साथ किसका संबंध है? मेरा संबंध है, तो मेरे पिता है, तो इससे मम पिता, तो मम शब्द जो अस्मत शब्द था उस शब्द की हमने कौन सी विभक्ति करी? षष्ठी विभक्ति करी। तो इसलिए हम लिखेंगे मम पिता आपणं गच्छति। ठीक, ये तो हो गया संबंध, सामान्य संबंध है षष्ठी। यहां पर मम शब्द की हमने क्या करी? अस्मत शब्द की षष्ठी विभक्ति करी। लेकिन इसके अलावा, इस संबंध के अलावा भी कुछ विशिष्ट शब्दों के और कुछ विशिष्ट योगों के आधार पर क्या है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, वो आज देखेंगे कि कौन कौन सी वो विशिष्ट शब्द हैं जिनके साथ लगने से क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सर्वप्रथम शब्द है, मैं शब्द लिख रहा हूं पहले, देखिए पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, उसके बाद दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर, ऊपरी ऊपर, अधः पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः, वामतः, उपरी, अधः। ठीक, तो ये चीज आज हम पढ़ेंगे, पुरतः, पृष्ठतः, दक्षिणतः। पुरतः मतलब सामने, पृष्ठतः मतलब पीछे, दक्षिणतः मतलब दक्षिण की ओर, वामतः यानी कि वाम की ओर, ऊपरी मतलब ऊपर, अधः मतलब नीचे। अब मैं आपके सामने तीन छात्रों को बुलाऊंगा और वो बताएंगे कि आपको पूर्वतः पृष्ठतः समझने में आसानी होगी। स्पंदनम, रैक्स और गुलभूषण आपके सामने आएंगे और उसके माध्यम से आप और स्पष्ट हो जाएंगे कि किस प्रकार से पूर्वतः पृष्ठतः है। हाँ, मुख केवल उस ओर करें। हाँ ठीक है, आइए रैक्स बीच में आ जाओ। आप यहां आप देख रहे हैं तीन छात्र यहां पर है। ठीक है, स्पंदनम, उसके बाद रेक्स, उसके बाद कुलभूषण। हमने पढ़ना है पुरतः, पुरतः मतलब सामने। तो रेक्स है, ठीक है, उसके पहले कौन है? स्पंदनम है, उसके बाद कौन है? कुलभूषण है। ठीक है, रेक्स बौन गच्छति, जनार्दन बौन आगच्छति, थोड़ा सा पीछे आएंगे। हाँ अब ठीक है, ठीक है, तो स्पंदनम, जनार्दन, कुलभूषण। अब पूरतः पढ़ना है। देखिए कुलभूषण अस्ति, विभक्ति कौन सी? षष्ठी। तो कुलभूषण शब्द की हमने षष्ठी विभक्ति करनी है। तो कुलभूषणस्य पुरतः जनार्दनः अस्ति, कुलभूषणस्य पुरतः जनार्दनः अस्ति, जनार्दनस्य पुरतः स्पंदनम अस्ति, जनार्दनस्य पुरतः सामने, ठीक है, आगे कौन है? स्पंदन है। अब पृष्ठतः पढ़ेंगे, स्पंदनस्य पृष्ठतः जनार्दनः अस्ति, जनार्दनस्य पृष्ठतः कुलभूषणः अस्ति।
पुरतः पृष्ठतः, अब सामने देखिए बहुत बढ़िया। अब देखेंगे हम दक्षिणतः और वामतः, जनार्दन अस्ति जनार्दनस्य दक्षिणतः, जनार्दनस्य दक्षिणतः कुलभूषण अस्ति, कुलभूषणस्य वामतः जनार्दनः अस्ति, जनार्दनस्य वामतः स्पंदनम् अस्ति, स्पंदनस्य वामतः दक्षिणतः जनार्दनः अस्ति। धन्यवाद। तो इत्थं भवद्भिः ज्ञातं यत् पुरतः मत्तत् सामने, पृष्ठतः मत्तत् पीछे, और दक्षिणतः मत्तत् दाईं ओर, और वामतः मत्तत् बाईं ओर। ठीक है, तो वाक्यानि लिखामः एवं पुरतः। तो जैसे हम कहें कि मेरे सामने द्वार है, तो मम पुरतः, मेरे मतलब मम, ठीक है, पुरतः सामने द्वारम अस्ति, ठीक है, तो मम पुरतः द्वारम अस्ति। तो पुरतः शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगाई हमने, षष्ठी विभक्ति लगाई। अब कहें कि जनार्दन के सामने स्पंदनम है, ये वाक्य हो तो क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे जनार्दन शब्द की हम कौन सी विभक्ति करेंगे, षष्ठी विभक्ति करेंगे। तो लिखेंगे जनार्दनस्य जनार्दनस्य पुरतः किमस्ति, स्पंदनम् अस्ति। ठीक है, तो जनार्दन शब्द की हमने क्या करी, षष्ठी विभक्ति कर दी। तो इसलिए यहां पर यह पुरतः शब्द के योग में क्या होगा, षष्ठी विभक्ति हुई। उसी प्रकार से पृष्ठतः, जैसे अहम अस्मि, मम पृष्ठतः श्वेत फलकम अस्ति, अहम मम, मम पृष्ठतः श्वेत फलकम अस्ति, तो पृष्ठतः उसकी भी क्या करेंगे, जिस शब्द के जिसके पीछे की बात की जा रही है उसकी षष्ठी विभक्ति करेंगे। जैसे श्वेत फलकम अस्ति, श्वेत फलक से पृष्ठतः हरित भित्ति ही अस्ति, ये लिखेंगे, तो श्वेत फलक से फलक से पृष्ठतः पीछे, तो श्वेत फलकम था उसका हमने षष्ठी विभक्ति किया, श्वेत फलक से पृष्ठतः किम अस्ति, हरित भित्ति ही, ग्रीन वॉल, ठीक है, हरित भित्ति ही अस्ति। तो जिसके पीछे की बात करेंगे वह हम कौन सा प्रयोग करेंगे, उस शब्द की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। अब आएंगे दक्षिणतः दाईं ओर, तो जैसे रामस्य दक्षिणतः का कह अस्ति, लक्ष्मण अस्ति, राम के दक्षिण में, दक्षिण ओर यानी कि राइट हैंड साइड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, दक्षिणतः लक्ष्मण अस्ति, तो वाम साइड कौन है, राम जी के दाई ओर पर कौन हो गए, लक्ष्मण हो गए, तो राम जी के बाई ओर कौन, माता सीता, तो लिखेंगे राम जी के, रामस्य हो जाएगा, जिसके बाईं और दाईं की बात करेंगे उस शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। तो राम शब्द है तो रामस्य कर दिया, ठीक है, रामस्य वामतः माता सीता अस्ति, ठीक है, तो राम जी के ठीक, तो वामतः शब्द हो गया। इस प्रकार से पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः, ये चार शब्दों को हमने जाना। अब जानेंगे कि किस प्रकार से ऊपर या अधः, सेम इसी कंडीशन में, यानी कि षष्ठी विभक्ति जिसके ऊपर की बात करेंगे उस शब्द की हम कौन सी विभक्ति कर देंगे, षष्ठी विभक्ति करेंगे। जैसे पृथ्व्याः उपरि आकाशः अस्ति, पृथ्व्याः उपरि धरती के ऊपर आकाश है, तो धरत्र्याः उपरि आकाशः अस्ति, मम उपरि छदि अस्ति,
मेरे ऊपर छत है, ठीक है, या मम उपरी आकाश अस्ति, ठीक है। उत्पीठिका है, इसके ऊपर क्या है, फलक है, तो उत्पीठिकाया उपरी फलकम अस्ति। तो जिसके ऊपर की बात हम करेंगे उस शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जैसे मम उपरि छदि अस्ति, ठीक है, छदि मतलब छत, ठीक है। अब ऐसे ही अगर हम लिखें कि उत्पीठिका के ऊपर फलक है, यानी कि टेबल के ऊपर बोर्ड रखा है, तो उत्पीठिका शब्द है उसकी हम षष्ठी कर देंगे, तो उत्पीठिका यहां उपरी किमस्ति फलकम अस्ति। ठीक है, तो जिसके ऊपर और नीचे, जैसे मम अधः कुट्टी महास्ति, मेरे नीचे क्या है, यहां पर पैर के नीचे फर्श है, तो नीचे की बात अगर हम करेंगे तो वहां भी क्या होगा, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा। कौन कौन शब्द है, पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः उपरी अधः, ठीक। तो अधः आकाशस्य अधः पृथ्वी, धरित्री अस्ति, तो जिसके नीचे की बात हम करेंगे उसके उस शब्द की हम क्या करेंगे, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार पुरतः पृष्ठतः दक्षिणतः वामतः उपरि और अधः, ये कुछ शब्द है जिनके योग में क्या होता है, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। अगला शब्द है कृते, क्या है शब्द, कृते के लिए। अब किसके लिए, जिसके लिए होगा उस शब्द की क्या करेंगे हम, षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, तो कृते। जैसे माता बालक के लिए खीर बनाती है, वाक्य क्या है, माता बालक के लिए क्या बनानी है, खीर बनानी है, खीर बनाती है, ठीक है। अब किसके लिए बना रही है, बालक के लिए, तो बालक शब्द की यहां पर कृते के लिए हम, के लिए हम कृते प्रयोग करेंगे, और बालक शब्द जिसके लिए काम किया जा रहा है यहां पर क्या करेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, षष्ठी विभक्ति उस शब्द की करेंगे, ठीक है। तो माता हो गई, ठीक है। अब जिसके लिए, बालक के, तो बालक शब्द की हम षष्ठी विभक्ति कर देंगे, बालकस्य और उस पर जोड़ देंगे कृते, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चतुर्थी का एक ऑप्शन है, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति के जितने शब्द हैं उन शब्दों का ऑप्शन ही क्या है, कृते है, जिसको हम षष्ठी विभक्ति लगा करके कर सकते हैं। माता बालकस्य कृते पायसम निर्माती, तो पायसम मतलब खीर, निर्माती मतलब बनाती है या पचती, ठीक है, पकाती है। तो माता बालकस्य कृते पायसम निर्माती, यानी कि खीर बनाती है, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य किया जाएगा उस शब्द की क्या कर देंगे, षष्ठी विभक्ति, और उसमें कृते शब्द जोड़ेंगे, ठीक है। अगला है जैसे वाक्य, छात्र लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ते हैं, किसके लिए पढ़ रहे हैं, लक्ष्य प्राप्ति के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसलिए छात्राः पठन्ति, सबसे पहले छात्राः पठन्ति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके लिए लक्ष्य प्राप्ति शब्द है, के लिए तो कृते हो गया, ठीक है। तो लक्ष्य प्राप्ति शब्द की हम कौन सी विभक्ति करेंगे, षष्ठी विभक्ति, तो लक्ष्य प्राप्त्याः कृते, कृते
पठन्ति, ठीक है, लक्ष्य प्राप्त्यै पठन्ति भी हो सकता है, लक्ष्य प्राप्त्यः कृते अपि पठन्ति, तो जिसके लिए पढ़ रहे हैं उस शब्द की हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, ठीक है। माता बालकस्य कृते भोजनं पचति, ठीक है, अहम पठनस्य कृते विद्यालय गच्छामि, ठीक है, पठनाय विद्यालय गच्छामि भी हो सकता है, पठनस्य कृते विद्यालय गच्छामि भी हो सकता है, तो दोनों परिस्थितियों में षष्ठी या चतुर्थी का प्रयोग हम कर सकते हैं, लेकिन षष्ठी विभक्ति का जहां हम प्रयोग करेंगे वहां कृते शब्द हम निश्चित तौर पर जुड़ेंगे। अंतिम शब्द है इसमें निर्धारणे षष्ठी, यतस्य निर्धारणम्, निर्धारणे षष्ठी विभक्ते प्रयोग, ठीक है, कैसे षष्ठी विभक्ति का प्रयोग इस प्रकार से होता है, जैसे हमने लिखा कवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो क्योंकि यहां निर्धारण कर रहा है कि किनमें से श्रेष्ठ है, तो जिसमें से श्रेष्ठ होंगे उस शब्द की हम क्या करेंगे, विभक्ति करेंगे षष्ठी, और यहां पर नित्य नपुंसक बहुवचन का प्रयोग होता है, क्योंकि बहुतों में से एक को कोई छांटना है, एक को श्रेष्ठ बताना है, तो इसलिए यहां पर क्या होता है षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है और बहुवचन का प्रयोग होता है। तो जैसे हमने कहा महाकवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, तो महाकवि शब्द की हम क्या कर देंगे, विभक्ति कर देंगे षष्ठी और बहुवचन, तो महाकवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, यानी महाकवियों में कौन श्रेष्ठ है, कालिदास श्रेष्ठ है। ठीक है, तो महाकवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, यतस्य निर्धारणम्, सूत्र कहता है कि निर्धारण जहां पर करना हो, निश्चित करना हो कि कौन बड़ा है, कौन श्रेष्ठ है, कौन उत्तम है, कौन सुंदर है, ठीक है, तो इस प्रकार से हम उस शब्द की जिस जिन सबसे श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, इन सब में श्रेष्ठ की बात कर रहे हैं, उन शब्दों की षष्ठी विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। देखो निर्धारण शब्द में षष्ठी और सप्तमी दोनों होते हैं, लेकिन अभी हम षष्ठी पढ़ रहे हैं, तो इसलिए हमने केवल षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं इसका, गायकेषु या गायकानां सोनू निगमः ठीक है, गायकानां सोनू निगमः उत्तमः गायकः, ये तो मम मतम, ठीक है, तो गायकानां यहां पर गायकों में सोनू निगम अच्छा गायक है, अगर इस बात को हम कह रहे हैं तो गायकों में, तो गायक शब्द की क्या कर देंगे हम षष्ठी बहुवचन कर देंगे, तो यही क्या है, यदस्य निर्धारणम्, यही निर्धारण है, तो जिसकी में समूह में से जिसको निर्धारित करना हो, ऐसी परिस्थिति में हम क्या करेंगे, षष्ठी और सप्तमी दोनों का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन षष्ठी का प्रयोग अभी हमने किया, कल हम जानेंगे कि सप्तमी विभक्ति का प्रयोग इसी निर्धारण में किस प्रकार से कर सकते हैं, और कौन कौन से और भी शब्द हैं जिनमें जिनकी उपपद विभक्ति लग करके वो सप्तमी विभक्ति सूचक शब्द हुए। तो आज हमने कौन कौन से शब्द जाने, तो सबसे पहले हमने जाना कि पुरतः सामने, पृष्ठतः पीछे, दक्षिणतः दाईं ओर, वामतः बाईं ओर, ऊपरी ऊपर, अधः नीचे, इतने शब्द हमने एक जाने। दूसरा जाना हमने कृते, कृते मतलब के लिए, जैसे माता किसके लिए, बालक के लिए भोजन बनाती है, तो जिसके लिए काम किया जा रहा है उस शब्द की षष्ठी विभक्ति और कृते शब्द जोड़ करके वह शब्द बनता है। तीसरा हमने जाना निर्धारणे षष्ठी, यानी कि जहां हम निर्धारित करते हैं, एक समूह में से किसी को श्रेष्ठ बताते हैं, एक समूह में से किसी को सुंदर बताते हैं, जब निर्धारित करना हो किसी चीज को तब हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं, तो उसके लिए हमने वाक्य लिखा कि महाकवियों में कालिदास श्रेष्ठ है, महाकवि नाम कालिदास श्रेष्ठ, तो इतने शब्दों में उपपद विभक्ति का प्रयोग होता है षष्ठी उपपद विभक्ति। आज कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं आपको, उदाहरण सूचक कुछ वाक्य हिंदी में, आपको इनको संस्कृत में अनुदित करने हैं। राकेश के बाईं ओर मोहन है,
अलग के नीचे, फलक के नीचे क्या है, उत्पीठ का है। तीसरा वाक्य है, खिलाड़ियों में सचिन श्रेष्ठ है। ठीक है, चौथा वाक्य है, छात्र पढ़ने के लिए के लिए विद्यालय आते हैं, विद्यालय आते हैं। तो ये चार वाक्य हैं जो आज हमने पढ़ा, यानी कितनी चीजें हमने पढ़ी षष्ठी उपपद विभक्ति से संबंधित, उन्हीं का आपको उनके माध्यम से, उनकी सहायता से इन चार वाक्यों का आपको अनुवाद करना है, जिससे कि आपकी षष्ठी उपपद विभक्ति और भी स्पष्ट हो जाए। तो आशा है आपको षष्ठी उपपद विभक्ति के जो मुख्य मुख्य बिंदु थे वो समझ में आए होंगे। कल एक नए विषय को लेकर के फिर हम उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।